हे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए फिट फॉर इट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं चाणक्य नीति के दूसरे पार्ट को। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था दोस्तों, चाणक्य एक असाधारण मानव थे। राजनीति कूटनीति में जो पकड़ उनकी थी और अपने अनुभव से जो रास्ते उन्होंने हमें बताए, उनका आज तक कोई सानी नहीं है। एक बार चाणक्य धनानंद के राज्य को नष्ट करने के लिए इतने आतुर थे कि बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के चंद्रगुप्त के साथ लगभग 5,000 घोड़ों की छोटी सी सेना लेकर एक दिन सुबह के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। चाणक्य ने यह काम इतनी जल्दबाजी में किया कि उन्होंने धनानंद की सेना और किलेबंदी का ठीक से आकलन भी नहीं किया, और दोपहर से पहले ही धनानंद की सेना ने चंद्रगुप्त और उसके सहयोगियों को बुरी तरह से मारा और खदेड़ दिया। चंद्रगुप्त किसी तरह से बड़ी मुश्किल से जान बचाने में सफल हुआ और चाणक्य भी एक घर में जाकर छुप गए। उस घर में वहीं पास ही में एक रसोई में एक दादी अपने पोते को खाना खिला रही थी। दादी ने उस रोज़ खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी गर्मा गर्म थी। दादी ने खिचड़ी के बीच में गर्मा गर्म घी भी डाल दिया था और अपने पोते के लिए घड़े से पानी भरने चली गई। थोड़ी देर में बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। दादी ने आकर देखा तो पाया कि बच्चे ने गर्मा गर्म खिचड़ी के बीच में उंगलियाँ डाल दी हैं, जिससे उसकी उंगलियां जल गई हैं। दादी बोली, तू चाणक्य की तरह मूर्ख है। अरे, गर्म खिचड़ी का स्वाद लेना है तो पहले कोनों से खाया जाता है, और तूने मूर्खों की तरह बीच में हाथ डाल दिया और अब रो रहा है। चाणक्य, जो कि वहीं छुपे हुए थे, बाहर निकल आए, बुढ़िया के पांव छुए और बोले, आप बिल्कुल सही कहती हैं माता जी, मैं मूर्ख ही था। तभी राज्य की राजधानी पर आक्रमण कर दिया और आज हम सबको जान के लाले पड़े हुए हैं। इसके बाद कहते हैं कि चाणक्य ने मगध को चारों तरफ से धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने में सफल हुए। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि धन को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। वो कहते थे कि धन को बहुत ही सोच समझकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि ये धन ही है जो आपकी विपत्ति में सबसे ज़्यादा काम आएगा। धन के बिना न ही तो इज्जत होती है, न ही कोई सुख और समृद्धि होती है। धन हमारे जीवन में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है दोस्तों। मैंने देखा है कुछ लोगों को जो बड़ी मेहनत से खून पसीना लगाकर पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे को धुएं की तरह उड़ा देते हैं। अधिकतर लोग जो दिन भर मजदूरी करते हैं और शाम होते होते शराब पीकर उसकी कमाई को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद ही करना है तो फिर मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ? अगर आपके पास अधिक पैसा भी है तो भी उसे लिमिट के साथ खर्च करें। समय का दोस्तों कुछ पता नहीं होता कब पलट जाए। चाणक्य कहते थे कि कुबेर जो कि धन के राजा हैं, अपने आय से ज़्यादा खर्च करेंगे तो कंगाल हो जाएंगे। इसलिए धन को कमाएं, उसकी बचत करें और जब जरूरत हो तो उसे खर्च भी करें। बदनामी से डरें। चाणक्य कहते हैं कि अपमानित होकर जीने से मरना अच्छा है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। दोस्तों, हम सभी के अंदर बदनामी का डर होना चाहिए। बदनामी का डर भी एक वजह है जो हमें गलत काम से बचाता है। जीवन का सबसे बड़ा दुख बदनाम होना होता है। एक आदमी को जीते जी हर पल मारता रहता है, और ये होता तब है जब हमारी अंतरात्मा भी हमसे कहती है कि हमने गलत काम किया। ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको पूरी ज़िंदगी बदनामी से जीना पड़े। एक बार आप बदनाम हो गए तो फिर वापस आप लोगों की नज़रों में पहले जैसे नहीं रहोगे। इसलिए जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले हज़ार बार सोचें। आलस्य को त्याग दें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। और अगर आप गौर से देखो और आंकड़ों पर नज़र लगाओ तो आप पाएंगे कि इस दुनिया में केवल 20% लोग ही ऐसे होते हैं जो सफलता की कैटेगरी में आते हैं, और 80% लोग सफलता पाने के लिए ज़िंदगी से जद्दोजहद करते रहते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब कोई भी धन संपदा ना होते हुए भी लोगों ने जीवन में कई ऊंचाइयों को छुआ और गरीब जीवन जीते हुए बहुत अमीर बन गए हैं। इन 80% और 20% में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है दोस्तों आलस्य का। 80% लोग किसी भी काम को करने में आलस्य करते हैं, वहीं 20% लोग उसी काम को बड़े मन लगाकर करते हैं। इसलिए जीवन बेहतर और खुशहाल बनाना है तो आलस्य त्यागो, परिश्रम करना सीखो, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, और आलस्य का ना होना आपके परिश्रम को मंजिल तक पहुँचाता है। चाणक्य कहते थे कि आलसी मनुष्य का कोई भी वर्तमान और भविष्य नहीं होता। दोस्तों, आज बस इतना ही। जल्दी ही चाणक्य नीति पार्ट 3 लेकर आता हूँ।
अगर अभी भी आपने फिट फॉर इट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लीजिए। आपने इस वीडियो को बड़े मन से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।